सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के एएमआई शिशु मंदिर मतदान केंद्र पर वोट डाला और कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने पहली बार वोट डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में यह देश और प्रदेश विकास करेगा। मतदान करने के बाद सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए ये महत्वपूर्ण दिन है। इस दौरान उन्होंने सभी से मतदान करने की अपील की और कहा कि मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई है। किसान, महिलाओं और नौजवानों के लिए बीजेपी सरकार का कार्यकाल ऐतिहासिक रहेगा। कांग्रेस के प्रलोभन देने के आरोप में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आदत है ओछी राजनीति करने की। दिग्विजय सिंह के ईवीएम पर सवाल उठाने पर बोले, वे कृपा करके अपने आप पर सवाल उठाएं जो उन्होंने मध्य प्रदेश का बुरा हाल करके छोड़ा था। प्रदेश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 28 विधानसभाओं में आज चुनाव होने जा रहा है। मैंने स्वयं प्रजातंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार दिया जाता है मनुष्य को, मतदान का अधिकार दिया जाता है, उसका उपयोग किया है। मेरा आप लोगों के द्वारा सभी दर्शकों को विनम्रपूर्वक मेरा निवेदन है कि एक एक व्यक्ति अपना मतदान करे। कांग्रेस की आदत है ओछी राजनीति करने की, कांग्रेस की आदत है एक्सक्यूज बनाने की, कांग्रेस की आदत है कि जब हार रहे हों तब हर तरीके का तंत्र का उपयोग करने की। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद, कमल के फूल, भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में ये सरकार पर रहेगी और पूरे मजबूती के साथ हम विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे जनता की सेवा के लिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।